वाली बात है। आज जस्ट थोड़ी देर पहले कॉल आई, अराउंड 4:30 के आसपास। उस समय मेरी कंसल्टेंसी चल रही थी। अब हुआ ये कि वो कॉल की और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम मेरे मेरे मतलब मेरी जो टीम है उनसे डिस्कशन किए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, क्या मुझे सर से 2 मिनट बात करा सकते हो। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो मेरी टीम ने मेरे को मैसेज किया, सर ऐसा ऐसा मैटर है, आपसे 2 मिनट बात करना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है दे दो। फिर उन्होंने कॉल फॉरवर्डिंग करी, मैं सिस्टम में ही लॉगिन था तो सिस्टम पे मैंने उनसे बात करी। मैंने उनको बताया, बोलिए क्या है। तो उन्होंने एक बताया कि हमारे एक गुरुजी हैं, उनको बहुत तकलीफ है। वो तो सेकंड था, सॉरी वो बाद वाला था। हाँ, तो उन्होंने बताया कि हमारे एक रिलेटिव हैं, उनको बहुत तकलीफ है। ठीक है, मतलब ये सिचुएशन है कि हम अभी हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, हमारे यहाँ से किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है। आपकी मैंने वीडियो देखी थी, तो सर आप कुछ हेल्प कर सकते हो क्या? हमें ऐसा लगता है कि इनको बहुत सीरियस कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर हॉस्पिटल है, गाड़ी की सुविधा नहीं है, ट्रेन मतलब गाड़ी नहीं है, 2 व्हीलर में बैठा नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उनको बोला कि आप उनकी नोस्ट्रल चेक करो। तो जब उन्होंने नोस्ट्रल चेक करी तो उनकी दोनों नाड़ियां चल रही, दोनों नाड़ी मतलब सुषुम्ना नाड़ी। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है तो क्या होता है। तो उनको मैंने पूछा चेक करो, तो वो बोले सर दोनों नोस्ट्रल से बराबर हवा निकल रही है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अब एक बार फिर से चेक करो। तो एटलीस्ट मैंने ना 5 मिनट्स तक उनको होल्ड कराया, तो बोले सर दोनों चल रही है। मैंने कहा ये तो गड़बड़ है, अगर दोनों चल रही है तो इनका नमः शिवाय हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने उनको ये कहा कि काम करो, कैसे भी उनको बिठाओ और उनको गर्म पानी पिला दो और उनके पैरों में गर्म तेल की मालिश कर दो, दोनों हाथों में। वो बोले सर इससे क्या होगा। मैंने कहा करो और आधे घंटे में मुझे रिजल्ट बताना। तो सेम प्रोसेस उन्होंने किया, उनको थोड़ा सा दो चार मतलब सिप उन्होंने गर्म पानी अच्छा खासा, जैसे हम चाय पीते ना उस टाइप का उन्होंने गर्म पानी पिलाया और सरसों के तेल से पैरों में उनके अच्छे से मालिश किया। 1.5 घंटे के बाद उनका फीडबैक आया, बोले सर एकदम फिट हो गए। एकदम फिट हो गए मतलब चलने फिरने दौड़ने नहीं लगे, फिट हो गए। इन द सेंस उनका जो प्रॉब्लम था वो लगभग लगभग 70% सॉल्व हो गया। तो बोले सर ये कैसे हुआ। मैंने कहा क्लास आप देख रहे हो। बोले हाँ। मैंने कहा बस आ जाना, आज वेबिनार में आ जाना, मैं आपको बता दूंगा। तो क्या वो पर्सन है हमारे साथ आज, जिनका आज मैंने जिनसे बात किया था, मैंने नाम नहीं पूछा था उनसे, वो पर्सन है हमारे साथ जिन्होंने आज कॉल किया था अराउंड 4:30 5 o'clock के बीच में। चलिए कोई बात नहीं, होता है, कुछ लोग डिस्प्ले में आना नहीं चाहते हैं, इट्स ओके। परंतु मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। हमारा जो आज का जो टॉपिक है, अभी तक आप लोगों को मैंने जो सिखाया वो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी से रिलेटेड मैंने आप लोगों को चीजें बताई थी। ठीक है, आज हम जो हमारा जो टॉपिक है ये है सुषुम्ना नाड़ी। चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी मुझे लगता है कि सभी को पता होगा कि चंद्र नाड़ी क्या है, सूर्य नाड़ी क्या है। नहीं पता, एक छोटा सा रिविजन कर देता हूँ। हमारी राइट नोस्ट्रिल जो होती है, मतलब हमारा राइट हैंड साइड जो होता है, इधर की जो नोस्ट्रल चल रही होती है, इधर की जो श्वास चल रही होती है, इसको हम चंद्र नाड़ी कहते हैं। और हमारा जो लेफ्ट पार्ट है, उल्टे साइड में जो स्वर चल रहा होता है, इसे हम चंद्र नाड़ी कहते हैं। राइट हैंड साइड सूर्य नाड़ी, लेफ्ट हैंड साइड चंद्र नाड़ी, ये हर व्यक्ति की चलती है। अब कई बार मैंने बताया है कि घर से निकलने से पहले आप एक बार अपनी नोस्ट्रल को चेक कर लो, राइट चल रही है या लेफ्ट चल रही है। राइट चल रही है तो राइट पैर आगे रखो, लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट। अब आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपके लाइफ में ये गलती अगर आप कर रहे होगे तो बिल्कुल बंद कर देना आज से। भले आप किसी काम के लिए जा रहे हो, 10 मिनट रुक जाना, उसके बाद जाना, परंतु इस पोजीशन पे नहीं जाना। अब क्या हो गया, राइट नोस्टल एंड लेफ्ट नोस्टल, मतलब राइट स्वर सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ, ठीक है। अब किसी ने कमेंट किसी एक व्यक्ति ने कमेंट, ठीक है, और आप इंग्लिश में क्यों बोलते हो, हमें समझ में नहीं आता, तो उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसमें इजीली समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे आप लोगों को अध्यात्म पढ़ाने नहीं बैठा,
मैं आपको आपको स्वर विद्या का ज्ञान बता रहा हूं, जो शब्दों में आप समझ सके वो शब्द का मैं प्रयोग करता हूं। तो अब यहां पर राइट नोस्टल लेफ्ट नोस्टल समझ में आ गए, सूर्य और चंद्र ये समझ में आ गया। अब अगर दोनों नोस्टल चल रही है, दोनों नोस्टल अगर कंटिन्यू चल रही है आपकी, तो ये समझ लेना वह व्यक्ति बहुत जल्दी उसका नमः शिवाय होने वाला है। मतलब बहुत जल्द वह व्यक्ति चार कंधों में चला जाएगा। अगर दोनों नोस्टल कंटिन्यू चल रही है, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे अगर वो चली रही है, वो शिफ्ट नहीं हो रही है, दोनों नोस्टल से प्रॉपर हवा निकल रही है। अब क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन रहता है, कई लोग कहते हैं कि सर मेरी तो दोनों नोस्टल चल रही है, तो वो दोनों नोस्टल कभी नहीं चल सकती। दोनों नोस्टल में चलेगी तो आप जब ध्यान देंगे तो एक नोस्टल से हवा का प्रवाह ज्यादा होगा और दूसरे नोस्टल से हवा का प्रवाह थोड़ा कम होगा। आपको फील होता है कि मेरी दोनों नोस्टल चल रही है, परंतु दोनों नहीं चल रही होती। अगर आपने यूं हाथ रखा और आप जब सांस को छोड़ रहे हो और दोनों प्रेशर उतना ही है, राइट में भी उतना ही है, लेफ्ट में भी उतना ही है, इसका मतलब सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। और सुषुम्ना नाड़ी चलती कैसे है वो बता देता हूं। ऐसा अनुमानित टाइम है, एग्जैक्ट टाइमिंग बताना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जब हम ध्यान वगैरह करते हैं तो आ जाता है, परंतु अनुमानित समय इसका जो होता है वह 64 मिनट से लेकर के 74 मिनट तक होता है। अगर चंद्र नाड़ी चल रही है तो 64 मिनट या 74 मिनट चलेगी, उसके बाद आपकी 1 मिनट के लिए, 1 मिनट मिनिमम, 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा किसी की सांसारिक जीवन में व्यक्ति जो जी रहा है उसकी 1 मिनट से ज्यादा सुषुम्ना चलती ही नहीं है, फिर वो दूसरे स्वर में शिफ्ट हो जाती है। चंद्र है तो 1 मिनट के लिए सुषुम्ना नाड़ी चलेगी, दोनों नोस्टल चलेंगे, 1 मिनट भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, 40 सेकेंड, मैक्स टू मैक्स 40 सेकेंड, 1 मिनट भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद फिर उसकी राइट नोस्टल चलना चालू हो जाएगी, मतलब उसका सूर्य स्वर चालू हो जाएगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, यह जीवन का सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट होता है, और यह सबसे जीवन का वर्स्ट से वर्स्ट पार्ट होता है। समझना इस बात को, ध्यान से समझना। अगर आप कभी भी घर से बाहर निकल रहे हो और आपने नोस्टल चेक किया, दोनों नोस्टल से अगर हवा रिलीज हो रही है, तुरंत उसी समय घर के अंदर आके बैठ जाना, बाहर नहीं जाना। अगर चले गए तो जिस काम के लिए आप जा रहे हो, 1001% है वो काम खराब हो जाए, 1001%। इस पे मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, सुषुम्ना नाड़ी से कोई भी काम करोगे वो गड़बड़ हो जाती है। क्यों होती है उसका रीजन बताओ। ठीक है, तो दोनों नोस्टल अगर चल रही है तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, ना मंगल कार्य किए जाते हैं, ना यात्रा की जाती है, ना कोई डील की जाती है, ना बिजनेस से रिलेटेड कोई लेन देन किया जाता है, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य शुभ हो या अशुभ हो वो सुषुम्ना नाड़ी पे नहीं करना चाहिए। अगर गलती से किसी ने कर लिया तो उसको जो रिजल्ट है वह रिजल्ट उसको नेगेटिव ही मिलेगा, 0 ही मिलेगा। मान लीजिए आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो और आपकी दोनों नोस्टल चल रही है, आप ध्यान नहीं दिए, आप या उस मीटिंग में जाओगे या तो वहां पर जिससे आप मीटिंग में जा रहे हो, पहली बात तो ये कि आप मीटिंग से निकले आप एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच ही नहीं पाओगे, आपको रास्ते में ट्रैफिक मिल जाएगा, गाड़ी खराब हो जाएगी, कुछ भी आएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, पंचर हो जाएगी, या फिर वो जिस रास्ते पे जा रहे हो वहां पे ट्रैफिक लगा होगा, आप दूसरे रास्ते पे जाने की कोशिश करोगे, आप 1 घंटे का रास्ता 2 घंटे में तय करोगे, ये सुषुम्ना का खेल है। तो आपका पहली बात तो समय खराब होगा, दूसरा जब आप वहां पर ले दे के पहुंच गए फिर आपको पता चलेगा अरे आज तो वो आए ही नहीं है जिनसे आपको मीटिंग थी, वो बोले दो तो 1 घंटे पहले ही चले गए, उन्होंने आपका इंतजार किया था, वो होगा ही नहीं। या गलती से अगर आप आपकी कोई आप गलती से आप ट्रैवल में जा रहे हो, ट्रैवलिंग करने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो या कहीं तीर्थ स्थल पे जा रहे हो और दोनों नोस्टल चल रही है, दोनों नोस्टल अगर चल रही है और आप घर से बाहर निकले, तो चैलेंज है आपकी ट्रेन या तो छूट जाएगी, या फिर जो अगर आपकी ट्रेन नहीं भी छूटी, या फिर जो सफर होगा वो इतना कष्टकारी होगा, आपका जो बगल वाला होगा पड़ोसी वो इतना परेशान कर देगा आपको कि पूछो, आप बोलोगे कि कहां मैं झंझट में फंस गया यार, इससे बढ़िया
मैं दूसरी ट्रेन पकड़ लेता। फिर जब आप स्टेशन में उतरोगे, आप होटल बुक करने जाओगे, होटल कभी खाली नहीं मिलेगा। अगर आपने होटल बुक भी कर रखा है तो रूम के अंदर जाके देखोगे, बोलोगे अरे यार फोटो में तो बड़ा अच्छा दिखा रहा था और ये तो कचरा निकल गया। तो आपको ऐसी समस्या देखने को मिलेगी। तो कभी भी सुषुम्ना नाड़ी पे कभी भी कोई भी अच्छे काम नहीं करने चाहिए। अगर मान लो सुषुम्ना नाड़ी पे कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, घर से निकला ड्राइव कर रहा है, तो ऐसा शास्त्रों में लिखा है वो लौट कर वापस नहीं आता। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि वह लौट कर एक बार जो चला गया वो लौट कर वापस नहीं आता, अगर सुषुम्ना नाड़ी में चला गया तो। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। तो कभी भी सुषुम्ना नाड़ी में आपको नहीं निकलना। कई बार आप लोगों के साथ में ऐसा होता होगा कि आप लोग सोचते होंगे कि आज मुझे फलाने इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है, और आप पूरी तैयारी से जाते हो, सारा कुछ अपडेट करके जाते हो, और वहां जब जाते हो तो पता चलता है कि या तो वो काम बना नहीं, या तो वो व्यक्ति मिला नहीं, या फिर गड़बड़ हो गई। तो यहां पर आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिव है? सुषुम्ना। कभी नहीं बनेगा। मेरी बात पे अगर यकीन नहीं है, आपको लग रहा है कि सर हवे में बात कर रहे हैं, तो एक बार करके देख लेना, पता चल जाएगा। एक बार में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। बस ट्रैवल मत करना सुषुम्ना नाड़ी में, घर वापस नहीं आ पाओगे। मतलब इसका मतलब यह है कि या तो हड्डी टूट जाएगी, या एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई भी बड़ी दुर्घटना घट जाएगी तो हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। तो ऐसे में मत निकलना, कोई अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है। चलो सबसे अच्छी चीज है ये, तो माताओं के लिए सबसे अच्छी चीज, सुषुम्ना नाड़ी के समय आप खाना बना लेना। जब आपकी दोनों नोस्टल चल रही होगी ना, उस समय आप खाना बना लेना और परोस देना। आपको एक से एक फीडबैक मिलेगा, एक से एक फीडबैक मिलेगा। आप बोलोगे कि यार ये वाकई में ये काम करता है। कैसे? जैसे ही आप सामने खाना किसी के परोसोगे, वो व्यक्ति बोलेगा इतना बेकार खाना, आज पहली बार नमक ज्यादा हो गया, जी मतलब इसमें नमक ज्यादा हो गया, मिर्च ज्यादा हो गई, आपने तो पूरा सब्जी की मतलब बर्बादी कर दी, रोटी जली हुई है, रोटी मतलब खाने में खाना वो टेस्ट लेस हो जाता है। मेरी बात पे अगर यकीन नहीं है, करके देखना। कितने माताएं हैं जो यहाँ पर जुड़ी हैं मेरे साथ, जिन्होंने चंद्र नाड़ी से खाना बनाया। एक बार सिर्फ 2 मिनट का एक छोटा सा फीडबैक, आप अगर आप चंद्र नाड़ी से आप लोगों ने खाना बनाया है, तो एक छोटा छोटा फीडबैक शेयर कर दो, ताकि औरों को समझ में आएगा कि हाँ कितनी माताएं हैं जिन्होंने चंद्र नाड़ी से खाना बनाया और उनका क्या फीडबैक आया। मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? बस इसलिए बोल रहा हूं ताकि मेरी बातों पे थोड़ा सा बिलीव आ जाए। जी श्वेता जी, आपको मैंने अनम्यूट का परमिशन दिया, बोलिए। नमस्ते सर। एक्चुअली जी नमस्ते। क्या है ना, मेरे पति सब चीज में जल्दी निकलता है, अगर अच्छा हुआ तो ढूंढ ढूंढ के निकलता है। कल एक्चुअली मैंने चाय बनाया था, इन्होंने कहा बहुत अच्छा बनाया है, इतना ड्रिफ्टिंग एक्चुअली। चंद्र नाड़ी से आपने बनाई थी? हाँ हाँ जी हाँ जी, मैं चलिए, कम्प्लीटली वो कोला किया था, लेफ्ट हैंड में ही किया था सब कुछ, बहुत अच्छा बनाया। मतलब एंड आपके और एक चीज मुझे बताना है। एक्चुअली मुझे लगभग 20 ईयर से वो एलर्जी वाला कोल्ड होता है ना, वो प्रॉब्लम है। तो मैं हर महीने में 20 to 30 times आई यूज टू टेक टैबलेट। कल क्या हुआ था, जब सर्दी हुआ ना, मैं सूर्य नाड़ी चालू करना शुरू, मतलब 5 मिनट के अंदर कोल्ड गायब हो गया है। थैंक यू सो मच, थैंक ओके, क्या बात, यू बहुत थैंक यू बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी राजेश्वरी सर मैंने जब भी बनाया ना चंद्र नाड़ी में, तो बहुत टेस्टी बना और दो बहुत तारीफ की उसकी, जब भी मैंने बनाया था एकदम मस्त। थैंक यू, मतलब आपको रिजल्ट मिला, बहुत चंद्र अच्छा नाड़ी से रिजल्ट मिला? चंद्र नाड़ी से बहुत अच्छा बनता है, और चलिए, सूर्य बहुत नाड़ी से फास्ट बनता है, फास्ट हाँ, सूर्य नाड़ी से फास्ट बनता है। जी होता है, ये हाँ दोनों जी अनुभव है। जी जी थैंक मगर जब यू। भी सुबह घाई होती है ना स्कूल के लिए, वो सूर्य नाड़ी एक्टिव करके फटाफट बना सकते हाँ हैं। हाँ वो चलता है, शॉर्टकट लगा, मैंने सब कुछ बताया, शॉर्टकट एंड लॉन्ग कट। ठीक है जी जी शुक्रिया जी। जय लक्ष्मी, आपने लिखा है, आप म्यूट कर लीजिए, अपने आप को अनम्यूट करिए। जी नमस्कार सर। नमः शिवाय। दिन क्या हुआ, मेरे यहाँ सब्जी बच गई थी, तो मैंने बच्चे को ये कहा कि मैं पराठे बना देती हूँ सब्जी के। बच्चों ने मना कर दिया, नहीं पराठे नहीं खाने सब्जी के। इवन मेरे हस्बैंड ने भी मना कर दिया।
मैंने चंद नाड़ी से उस पराठों का आटा गूंथा उस सब्जी का, और उसी हाथ से मैंने परोसा। सबको इतने अच्छे लगे, मेरे बच्चों ने बोला मम्मी वो ही पराठे दोबारा बनाओ। क्या बात है, मतलब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे बिलीव ही नहीं हुआ सर, मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ, तो मतलब वो सक्सेस हुआ मेरा। उसके लिए थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो अभी स्टार्टिंग है, आगे तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ है। बात करनी थी सर आपसे, सर एक्चुअली कल मैं परसों क्या क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई, तो सर आपने मुझे क्लास से रिमूव कर दिया, तो सर प्लीज कभी कभी थोड़ा सा माफ कर दिया करें। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जी रश्मि जी बोलिए। नमस्कार हाँ सर। यस सर, मैं तो रोज ही चंद नाड़ी में बनाती हूँ, तो बहुत ही फर्क पड़ता है खाने में, टेस्ट में, और शायद स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और सर एक मेरे को कपूर का मुझे थोड़ा सा बताना है आपको। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, वो आज मुझे ना काफी सर में दर्द था, काफी रात रात में आजकल लेट से सोते हैं, तो मुझे लग रहा था कि मुझे कैसे अपने आगे का क्लास का करेंगे आज, तो मैंने कपूर की रेमेडी करी भाई, सर से उतारने वाली। मतलब जैसे ही करी वैसे ही मेरा सर इतना हल्का हो गया, और अपने हस्बैंड को भी हम यही बात बता रहे थे कि मेरा उसको करते ही हल्का हो गया, ना मुझे किसी दवाई की जरूरत पड़ी, ना मुझे किसी बाम की जरूरत पड़ी, और वो हाथ के हाथ ही हल्का हो गया। तो ये तो मेरा आज का बहुत ही अच्छा अनुभव था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जी। मीनाक्षी जी आपको भी मैंने अनम्यूट किया है। हाय सर। हाँ जी जी नमः शिवाय। जी सर, लेफ्ट हैंड से आटा लगाना, माचिस जलाना सब कुछ सीख गए हैं, और खाने में जो टेस्ट है वो तो अलग है ही। जो सब्जी की रंगत देख के खुद को लगता है ना कि अच्छी नहीं बनी, वो सबको बहुत टेस्टी लग रही है सर। मतलब खाना मतलब पूरा पूरा ही पड़ता है कि ऐसे लगता है खुद के लिए तो बचेगा ही नहीं, क्या इस बात तरह से रिजल्ट आ रहे हैं। और सर एक और मैं शेयर करना चाह रही थी कि जैसे जोत जलाते हैं ना चंदन नाड़ी में जो सांस रोक के, तो तीन तरह की जोत, तीन जगह पे जोत लगाई सर मैंने आज। सिर्फ जैसे घी में डुबो के बत्ती रखी हुई है तो वो बत्तियां ही लगाई सर, वो 20-20 मिनट, 25-25 मिनट सिर्फ घी में डुबकी हुई, अलग से घी नहीं डाला उसमें। ओके। हाँ हाँ जी, तो ये मतलब जी आज अच्छे से टाइम नोटिस किया मैंने, तो मेरे को ये लगा कि लगभग 20 से 25 मिनट सिर्फ घी में डूबी हुई जोत भी जल रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया हाँ बहुत जी, बढ़िया, बहुत ही थैंक यू बढ़िया, सर, थैंक यू सर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ पद्मा जी आप बोलिए, बस एक दो लोग और लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो फीडबैक ही फीडबैक इतने सारे हो जाएंगे कि क्या जय बताऊँ। जिनेंद्र सर। हाँ जी, नमः शिवाय। नमः शिवाय सर। मैं जनरली चंद्र स्वर में ही खाना बनाती हूँ, और लेफ्ट हैंडर हूँ तो ऑटोमेटिक वो ही हाथ उठता है, और टच वुड मेरा आज तक सबको खाना अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब पूरे परिवार में सब यही बोलते हैं ये खाना बहुत अच्छा बनाती है, जबकि मैं चंद्र स्वर देख के बनाती मैं नहीं कहूंगी, हूँ। बहुत बढ़िया दूसरा बहुत सर बढ़िया। दिए वाला भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है मेरा। दिया मैं रोज सगुन में जला रही हूँ तो बहुत अच्छा जल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज इतनी हवा चल रही थी फिर भी दिया जला है बहुत अच्छे से। क्या बात है क्या बात है जी, थैंक बोलिए। यू सर। जी, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रणाम, जी, ओम नमः नमस्कार। शिवाय सर। सर ये आपका ये स्वर विज्ञान का अमेजिंग रिजल्ट दे रहा है सर, और दिए वाला तो बहुत ही खाना तो बहुत ही अच्छा बनता है सर, लेफ्ट नोस्टल में टेस्टी बनता है। और दूसरा सर और एक मैं एक फ्रेश एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी अगर आप परमिट करते हो तो। बिल्कुल बता सकते हैं। हाँ सर, वो कपूर वाला रेमेडी आज मैंने एक कंसल्टेंसी ली थी, और वो कंसल्टेंसी के बाद वो इतना निगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो गई थी कि ये मेरा पूरा पेन होने लगा था, और ऐसे फील हो रहा था कि कोई बैठा है यहाँ पे और मुझे दबोच रहा है। एंड सर फिर मुझे याद आया वो कपूर का रेमेडी करना, मैंने सर किया वो निगेटिविटी रिमूव के लिए। सर अब बिलीव नहीं करोगे, वो जो फ्लेम थी ना वो भी ब्लैक निकल रही थी सर, भीमसेन ओके okay। कपूर का वो भी ब्लैक निकल रही थी, एंड पूरा बहुत ब्लैक हुआ, बहुत ही ब्लैक धुआं निकल रहा था बहुत ही ज्यादा। एंड फिर मैंने ना मुझे नींद आने लगा, मैंने आराम किया, बाद में उठने के बाद फिर से मैंने वो किया सर, आप बिलीव नहीं करोगे, ये देखो सर पूरा काला हो गया। हाँ आपके नेगेटिव एनर्जी पूरी रिलीज हो गई आपकी। सर तब से थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, मैंने पूरा घर में भी घुमाया उसको,
कपूरदानी में कपूर भी लगाया, तब जाके थोड़ा सा मुझे अच्छा लगने लगा है सर। अदरवाइज मेरा अब तक का एक्सपीरियंस ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतनी नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो सकती है ऐसा। आप हीलिंग और करते हैं? नहीं सर, हीलिंग नहीं, मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में कंसल्टेंसी करती हूँ, तो अच्छा, सामने ओके। वाला। और वो थोड़ा आपको बताना चाहूंगी कि वो लव जिहाद वाला थोड़ा चल रहा था। ओके ओके, चलिए यहाँ पे ना लव जिहाद के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी दे दूंगा, मुझे लास्ट में बता देना, ठीक है? चलेगा लव जिहाद सर, इतना पावरफुल रेमेडी है ना, अच्छे अच्छे लोग उस रेमेडी से ना कांप जाते हैं, और मुस्लिम तंत्र वाले तो उस रेमेडी से ना भागते हैं, ओके। ठीक है? हमारे शास्त्रों में इतना जबरदस्त लिखा है, तो मुस्लिम तंत्र हो गया, चाहे वो क्या बोलते हैं, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, जैसे मुस्लिम में सबसे खतरनाक सिफली तंत्र होता है, ठीक है? सबसे खतरनाक होता है, उसको काटने वाला सिर्फ मुस्लिम ही चाहिए, दूसरा कोई काट नहीं सकता। आज एक ऐसी रेमेडी बताऊंगा कि उस रेमेडी को अगर कर लिया ना, चाहे सिफली तंत्र हो, चाहे जिन हो, जिन्नाद हो, पिशाच हो, अगर उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ा है ना, चाहे वशीकरण ही क्यों ना हो, भाग जाएगा, 1 महीने के अंदर में वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। और ये रेमेडी मैं फ्री में देता हूँ, इसके कोई चार्ज नहीं लेता, क्यों? क्योंकि ये जन कल्याण के लिए है, हम सनातन के साथ बिलीव, हम सनातन को मानते हैं, शिव को मानते हैं, तो शिव ने कहा है कि भला करो, तो ये रेमेडी मैं अभी दूंगा आप लोगों को, सभी दे दूंगा, लास्ट में दे दूंगा, मुझे एक बार याद दिला देना, ठीक है? हमें और सर रिकॉर्डिंग भी, आपको बोलू, मैं ऐसे झुक रही थी बार बार, इतना इतना यहाँ पे ऐसे ये हो रहा था, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया, ऊपर उठ ही नहीं रही, ऐसे ऐसे स्ट्रेट हो ही नहीं पा रही थी मैं, मतलब कोई तो भी। और वो वीडियो कॉल पे थी कंसल्टेंसी, फर्स्ट कंसल्टेंसी मेरी वीडियो कॉल पे थी, और मुझे अभी बिलीव हो रहा है कि वो मंत्रा, वो कुछ तो भी वो चैंट कर रहा होगा मन में वो लड़का, और हुआ सर, असर कर दिया। जो भी ऑकल्ट साइंस में होते हैं ना, ऑकल्ट साइंस वाले को मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी सेफ्टी लेकर चले साथ में हमेशा। सर मैंने सेफ्टी के लिए आपको बोलूं, मैं दिया लगाया था, ये क्रिस्टल रखे थे, रुद्राक्ष की माला पहन के बैठी थी, सब कुछ करके बैठी थी मैं, पूरा प्रॉपर, ऐसे कभी नहीं फिर भी किया। एनर्जी आ गई, फिर भी हाँ आपके हाँ नेगेटिव एनर्जी आ गई, मतलब ना तो मेरे पास क्रिस्टल काम बड़े किया, ना वाले रुद्राक्ष की माला काम करी, और ना वो आपका दिया गया। रुद्राक्ष की माला है सर, नेपाली रुद्राक्ष की माला है मेरे पास, और वो पहन के, 54 बीड्स की है, बड़े इतनी बड़ी है, वो ओके ओके, पहन चलिए के बैठी थी मैं, फिर भी सर कोई नहीं, जब जो ऑकल्ट साइंस में जुड़े हैं ना, उनको मैं एक शरीर बंधन का मंत्र दे दूंगा, और आसन बंधन का। आसन बंधन मतलब जिस स्थान पे आप बैठोगे, और शरीर बंधन, आसन आपका बंधित हो जाएगा, मतलब कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हिट नहीं मारेगी। और शरीर बंधन, शरीर बंधन में क्या होगा, कोई भी आपके ऊपर कंसल्टेंसी, आप ये समझ, ऐसे समझ लेना कि जो भी व्यक्ति कंसल्टेंसी के लिए आया है ऑकल्ट साइंस के लिए, चाहे उसके ऊपर कितनी भी नेगेटिव एनर्जी क्यों ना हो, आप ना एक एक जैसे कांच का एक वो है बॉक्स, लेयर बनाते हाँ कांच का एक बॉक्स है, उसके अंदर आप बैठे हो, कोई आपके ऊपर कितना भी कचरा फेंकेगा, तो वो कचरा जो है वो कांच के उसमें जाएगा, आपके ऊपर नहीं आएगा। तो शरीर बंधन और आसन बंधन बहुत जरूरी होता है ऑकल्ट साइंस में। जितने भी लोग आते हैं ना, जैसे जो हीलिंग करते हैं, या फिर जो लोग ऑकल्ट साइंस में होते हैं, उनको सिखाया जाता है, न्यूमरोलॉजी में नहीं सिखाते, न्यूमरोलॉजी में इसको नहीं सिखाया जाता, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में नहीं सिखाया जाता, ये रेकी हीलिंग में या फिर आपको क्रिस्टल हीलिंग में सिखाया जाता है। मैं जो हम जो करते हैं मेडिटेशन, जो हीलिंग, जो हमारी एनर्जी हीलिंग जो होती है, उसमें हम तो चुटकियों में, एक आगे चुटकी, पीछे चुटकी, अगल बगल, ऊपर नीचे, हो गया शरीर बंधन, आ जाए, कोई किसी की औकात नहीं है कि कोई ब्लैक मैजिक मुझे आके छू ले। और उस व्यक्ति, बस उस मंत्र को आप कुछ समय तक उसको एक्टिव कर लीजिए, फिर आप उसको उंगलियों में डाल लो कि ये मंत्र मेरी इस उंगली में आकर के, हर फिंगर, 5 फिंगर्स होती है, तो आप डिसाइड कर लो कि ये मंत्र मेरी इस उंगली में आके एक्टिव हो जाए, बस आप चुटकी मारोगे, मंत्र बोलने की भी जरूरत नहीं है, काम हो जाता। तो वो कभी मौका मिला तो डेफिनेटली सिखाऊंगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, सर नमः शिवाय। एक्चुअली पूछ सकते हैं क्वेश्चन है तो लास्ट में पूछिएगा, ठीक है? क्वेश्चन सर, ओके है तो जी, लास्ट में पूछिएगा, अभी हम ओके ओके, फीडबैक का ले रहे हैं, मैं डेफिनेटली सभी को अनम्यूट हाँ करके जी, क्वेश्चन ठीक ठीक है सर, लेंगे। ओके जी।
तीन चार मेरे को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, क्योंकि भी मैंने 2-3 दिन पहले से ही इस क्लास ली है, बट उसमें मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो जैसे अभी यहाँ पर बात हो रही थी खाने की, कि खाना कैसा बनता है चंद स्वर में, बट आज की मैं बात करूँ तो आज मेरा वर्क बहुत फास्टली हो गया, क्योंकि वो सूर्य स्वर के अकॉर्डिंग आज पूरा काम हुआ किचन का। और कपूर की अभी रेमेडी जो गुरु जी ने, सर ने अभी करवाई थी 2 दिन पहले, तो मैं बहुत दिन से परेशान थी अपने टेल बोन से। इवन देन मेरा खुद का ऑनलाइन वर्क है, तो मैं उसमें भी कंसंट्रेट, मतलब दिल ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी कि मैं किसी से बात भी करूँ या अपनी टीम की कोई मीटिंग लूँ, वो भी अवॉइड कर रही थी। सब कुछ अवॉइड हो रहा था मेरे आपसे, मतलब ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाह रही हूँ, बट हो ही नहीं पा रहा था। डायरी सामने रखी है, कॉलिंग करने का दिल ही नहीं है पूरा। तो जब वो मैंने रेमेडी अपना की कपूर की, उसके बाद पेन तो मेरा रिलैक्स हो गया, काफी हद तक रिलैक्स हुआ है, बट अपने आप से मेरा जो दिल है ना, अपने काम की तरफ फिर से चला गया। और उस दिन मेरे को जब मैंने कपूर अपना बर्न किया था वो, तो उसमें स्मेल भी आई थी हल्की सी, लेकिन मैं खुद शॉक्ड हूँ कि दिवाली से पहले से ये बात है, मैंने अपने वर्क को टच भी नहीं किया। दिल करता था बस सोते रहो अपना, नहीं लेटे रहो अपना, और कुछ भी मत करो, लेजीनेस इतना आ रही थी, और बस यही था। बट आज खुद से अपनी डायरी भी उठी है, खुद से कॉलिंग हुई है, खुद से टीम से बात हुई है, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अब वो कपूर की रेमेडी से हुआ है, डेफिनेटली मेरा पूरा विश्वास है कि वो उसी रेमेडी से हुआ है, अदरवाइज उससे पहले मैं बहुत ज्यादा परेशान थी अपने फिजिकल को भी लेके, कि मेरी बहुत पेन हो रहा है, स्कूटी भी नहीं अपनी चला पा रही हूँ, अपने बच्चे की भी छुट्टी करवा दी मैंने कि नहीं अभी नहीं आ पाऊंगी इसको लेके, और वर्क से रिलेटेड तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो थैंक यू वेरी मच गुरु जी बिल्कुल कि इस तरह का आपने कार्यक्रम चलाया हुआ है, कि जो ना चाहते हुए भी अगर इस प्रोग्राम में आ गया, YouTube से ऊपर वाले ने अगर चाहा तो ऑटोमेटिकली वो क्लिक भी करेगा, क्योंकि परमात्मा अपने आप रास्ता दिखाते हैं किसी चीज के लिए। तो मैं ऊपर वाले का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि इतना छोटा सा करने में अगर ये सॉर्ट आउट हो सकती है, तो अगर आगे कंटिन्यू की जाए क्लास, तो तब क्या मिरेकल हो सकता है लाइफ में, मेरी नहीं जो भी इसको करेगा उसकी लाइफ में। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। इसलिए ना मैं कहता हूं कि स्टार्टिंग जो है वो मैं बेसिक से कर रहा हूँ। अभी अब हो गया, फाइनली काफी लोगों का फीडबैक हो गया, हम मुद्दे पे चलते हैं। इसलिए ना स्टार्टिंग में बेसिक से कर रहा हूँ। बेसिक से इसलिए कर रहा हूँ, एटलीस्ट थोड़ा सा क्या आए, आप जो उपाय कर रहे हो उस उपाय में आपको फेथ आए। और जो मैं कह रहा हूँ, मैं हवे में बात नहीं कर रहा, जो मतलब मैं जो बातें कहता हूँ, कई लोगों को लगता होगा ना, अरे YouTube में भी कई जो क्लासेस ज्वाइन करो उनको तो लग रहा है कि हाँ ये सही कह रहे हैं, बट जो यूट्यूब में देखेगा उनको क्या लगेगा, ये फेक रहे। तो इसलिए ना आप लोगों से बीच बीच में छोटे से एक्सपीरियंस ले लेता हूँ। बेसिक छोटे छोटे उपाय के रिजल्ट हम ले रहे हैं, तो आप सोचो जब हम बड़ा उपाय करेंगे तो क्या बवाल होगा। जब हम बड़ा उपाय कोई करेंगे तो हम बड़ी, अभी क्या होता है ना, देखिए जब छोटा बच्चा होता है, सभी को एक्सपीरियंस होगा, क्या बच्चा एक बार में दौड़ना सीख चलना सीख जाता है? नहीं, बच्चा जब छोटा सा 1 साल का 1.5 साल का रहता है तो वो पहले अल्टी पल्टी मारता है, फिर थोड़ा सा वो धीरे से उठने उठना सीखता है, फिर वो सहारा लेकर के चलता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो सहारा लेकर के चलता है चलता है चलता है, फिर एक समय के बाद वो अपने दम पे चलता है। तो अभी आप लोग क्या है मालूम है, अभी आप लोग ना थोड़ा सहारा लेके चल रहे हो। जब आप लोग ये क्लास कंटिन्यू करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे ना, फिर आपको सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये लगेगा ये प्रॉब्लम है, लाओ हम ठीक कर देते हैं, ये प्रॉब्लम है, अरे ये तो 2 मिनट में ठीक हो जाएगी। लाइफ के कोई भी ऐसी मोड़ में अगर खड़े हो गए जहां पे आपको लगा कि मैं फंस गई हूँ, मुझे किसी का सहारा चाहिए, आप अपने अंदर झांकोगे और एक बार क्लास के बारे में याद करोगे, आपको लगेगा कि हाँ सर ने इस चीज के बारे में बताया था, एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैंने 20 उपाय किए, 20ों के 20ों काम किए, तो ये 21वां क्यों नहीं करेगा। ये फेथ में जगाना चाहता है और कुछ नहीं है। उपाय तो इतने सारे बता दूंगा आप लोगों को कि आप लोग हैरान हो जाओगे कि आप कौन सा करें, ये करें या ये करें, परंतु स्टेप बाय स्टेप अगर आपका फेथ जागता गया ना, तो वहां पर विश्वास सबसे बड़ी चीज है। मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर की मूरत। उसी प्रकार ये भी कहा जाता है, मानो तो बहता हुआ गंगा जल, मानो तो बहता हुआ गंगा जल, नहीं तो नॉर्मल पानी। ये सिंपल सा है।
तो जब व्यक्ति कुछ उपाय करता है, उसको फीडबैक मिलते हैं, रिजल्ट शेयर करता है, तो उसका फेथ जो है आज 50% है, कल 70 होगा, फिर 100 होगा, फिर 100 में टिका रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा, अब सुषुम्ना समझ में आया कि सुषुम्ना में कोई भी काम क्यों नहीं करना चाहिए। आपको जब चंद्र स्वर के रिजल्ट मिल गए, सूर्य स्वर के रिजल्ट मिल गए, तो आपको सुषुम्ना के भी वही रिजल्ट मिलेंगे। तो कभी भी जीवन में सुषुम्ना नाड़ी से आपको नहीं निकलना चाहिए। ये पहला टिप हो गया। दूसरा, अब सर सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो उस समय क्या करें? बहुत ज्यादा चल रही है, आपको लग रहा है कि यार 1 मिनट से ज्यादा हो गया, 2 मिनट से ज्यादा हो गया, 3 मिनट से ज्यादा हो गया, तुरंत आप अपनी नोस्टल को चेंज करें, या तो राइट को क्लोज कर दे या तो लेफ्ट को क्लोज कर दे तुरंत। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जो प्राण शक्ति है वो बीचों बीच ना होकर के वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या तो आपके सूर्य तरफ चला जाएगा या तो चंद्र साइड चला जाएगा। वहां से आपकी बॉडी में एनर्जी का प्रवाह होने लगेगा। अब सबसे अच्छी चीज इसमें क्या होती है पता है? सुषुम्ना नाड़ी में करना चाहिए मेडिटेशन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अगर कोई व्यक्ति सुषुम्ना नाड़ी में मेडिटेशन करता है तो वो एक्चुअल में होता क्या है, इगड़ा पिंगला और सुषुम्ना, ये दो नाड़ियां हैं, ये ऐसे सांप के जैसे ना ऐसे ऐसे जाकर के ऊपर जाके मिलती है, और सुषुम्ना नाड़ी जो वो स्पाइनल कॉर्ड के पिछले बीचों बीच है। तो ये यहाँ पर हमारी ब्रह्म रंध्री होती है, ब्रह्म ग्रंथि होती है, स्पाइन, ये सहस्त्रार चक्र के साथ कनेक्ट होता है। तो सहस्त्रार चक्र के साथ जब ये कनेक्ट होता है तो स्पिरिचुअलिटी के साथ ये कनेक्ट होता है। तो उस समय प्रभु स्मरण ये करना चाहिए। प्रभु स्मरण मतलब आप के पास कोई भी मंत्र है, सुषुम्ना नाड़ी में उस मंत्र का जाप, अगर आपने 1 मिनट, अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है और आपने उस मंत्र का जाप 5 मतलब 50 बार कर लिया, तो उसके पीछे 1 0 अपने आप लग जाता है। मतलब 50 बार आपने मंत्र जप किया तो 1 0 लग गया, उसका मतलब वो 500 टाइम आपको रिजल्ट देगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्रों में लिखा है। ये जो योगी होते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो योगी होते हैं, बड़े बड़े योगी होते हैं, वो लोग अपनी नाड़ियों को बैलेंस कर लेते हैं, इड़ा पिंगला को बैलेंस करके सुषुम्ना में चढ़ते हैं, और उसके बाद अपने तत्व को सिद्ध कर लेते हैं, आकाश तत्व में आ जाते हैं, उनकी सांस चलती है अंदर अंदर बाहर अंदर बाहर, मतलब वो लंबी गहरी सांस लेते ही नहीं है और सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, मतलब यहाँ पर उनका ध्यान केंद्रित होता है और वो कनेक्ट हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ, परमात्मा के साथ। ठीक है, तो सुषुम्ना नाड़ी में हमेशा प्रभु भक्ति करनी चाहिए, या फिर कोई आप राम का नाम ले लो, शिव का नाम ले लो, जो मर्जी जिस मंत्र को आप मानते हो वो मंत्र का जाप करना चालू करो। वहां पर आप देखोगे कि वो मंत्र का पावर आपका बढ़ने लगेगा। आपने एक मंत्र का जाप किया 10,000 बार, हो सकता है वो आपको फायदा ना करे, परंतु अगर आपने सुषुम्ना नाड़ी में अगर 50 बार भी कर लिया ना, तो वो मंत्र जो है वो आपके कॉस्मिक बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाता है, कॉस्मिक लेयर के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो सुषुम्ना नाड़ी में सिर्फ और सिर्फ प्रभु स्मरण करना चाहिए, सुषुम्ना नाड़ी में कीर्तन करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। उस समय ना कभी किसी व्यक्ति को मतलब दुआ दीजिए, और ना उस समय कभी किसी व्यक्ति को बद्दुआ दीजिए। कई बार हम ऐसा कहते हैं ना, किसी व्यक्ति ने कह दिया कि तुमने मेरे साथ बुरा किया है, जा तेरा भी बुरा होगा, और कुछ समय के बाद ऐसा हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, इसकी जुबान काली है। इसकी जुबान काली नहीं थी, दरअसल वो सुषुम्ना नाड़ी में था। और जब सुषुम्ना नाड़ी, क्या होता है, जब किसी इंसान को आप किसी इंसान को आप गुस्सा दिलाते हो, तो गुस्सा, अगर उस व्यक्ति का चंद्र नाड़ी चल रहा है, उसका गुस्सा बढ़ेगा, हाइपर हो जाएगा। हाइपर होते होते उसकी नाड़ी शिफ्टिंग होती है, चंद्र से वो सूर्य में ट्रांसफर हो रहा है, और उसी बीच में अगर उसने कह दिया तुमने मेरा दिल दुखाया है ना, देख लेना परमात्मा तेरे को इस तरीके का कष्ट देगा, और उस समय सुषुम्ना चेंज हो रही होती है, वो शब्द लग जाता है। तो कभी भी अब बुरा ही लगता है सुषुम्ना में, क्योंकि प्रभु स्मरण है वहां पे, परमात्मा। अब आप बोलोगे कि सर अगर हम किसी को उसमें आशीर्वाद दे देंगे तो अच्छा हो जाएगा क्या? क्योंकि सुषुम्ना में तो अच्छा काम करते ही नहीं, तो आशीर्वाद तो दे नहीं सकते। ठीक है, तो उस समय सुषुम्ना जो होती है वो कनेक्ट होती है स्पिरिचुअलिटी के साथ, कॉस्मिक कनेक्शन के साथ, तो वहां पर वो मैनिफेस्टेशन पे डाल देती है। हाँ,
कब होता है? जब आपकी एनर्जी, जो हमारे बॉडी के अंदर में 7 चक्रास होते हैं, वो अगर क्लेंजिंग है, 5 तत्व बैलेंस है, उस समय अगर आपकी सुषुम्ना चल रही और आपने उसको क्या दिया, जा तेरा भला हो जाएगा, तो मान के चलना ब्रह्मा जी भी उसको काट नहीं सकते। जैसे हम बड़े बड़े सिद्ध ऋषियों के पास जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि प्रभु मतलब थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो, तो वो लोग ना अलाइन करके रखते हैं अपने आप को और वो कहते हैं हाँ ठीक कल्याण होगा जाओ, और रियल में कल्याण हो जाता है क्योंकि वो सुषुम्ना नाड़ी को चला दो, वो 5 एलिमेंट को बैलेंस करके रखते हैं, वो ईड़ा पिंगला को बैलेंस करके रखते हैं, वो अपने मन को एकाग्र करके रखते हैं, उनके मन में किसी प्रकार का कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ जो सोचेंगे प्रभु स्मरण में सोचेंगे, वो प्रभु का ही सिर्फ और सिर्फ स्मरण करते रहेंगे, तो उनकी जो नाड़ी है वो सुषुम्ना कनेक्टिविटी होती है डिवाइन के साथ, कॉस्मिक लेयर के साथ, तो जब डिवाइन के साथ कनेक्ट होती है तो वो आशीर्वाद देता है और वो फलता है। ठीक है, तो सुषुम्ना नाड़ी में आपको यह काम करना है, इसके अलावा आपको कोई दूसरा काम नहीं करना है। अब यहां पर एक बात आती है कि सर सुषुम्ना नाड़ी में